हेलो वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों अगर आपके पास एक बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लाइफ पे कुछ ना कुछ असर जरूर से करने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ नए चार्जेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, उन चार्जेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप कभी ना कभी यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते होंगे या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ ट्रिक का यूज करके आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके यूज तो जरूर से करते होंगे। लगभग आपको 45 से 50 डेज का टाइम पीरियड मिलता है ये पैसे यहाँ पे रीपे करने के लिए। लगभग नॉर्मली वो 1% चार्जेस यहाँ पे देना पड़ता है और आप अपने पैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते यूज कर लेते हो। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब यहाँ पे आपके लाइफ पे थोड़ा सा असर पड़ने वाला। मोस्ट ऑफ केसेस में जो यूजर है यहाँ पे क्या करते कि अपने पैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन चॉइस करते हैं। रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन से नॉर्मल 1% या फिर कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं तो कुछ प्लेटफॉर्म पे 1.5% का चार्जेस आप लोगों को लगता है। बट ये 1.5% चार्जेस देने के बाद आपके पैसे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अब उस पैसे का यूज कर पाते हो नॉर्मली 45 से 50 डेज तक और उसके बाद उसका रीपेमेंट करते हो। पर दोस्तों यहाँ पे रेंट पेमेंट चार्जेस पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे चार्जेस लगाना अब स्टार्ट कर दिया। कब से चार्जेस लगेंगे, कितने चार्जेस लगेंगे, वो भी आगे मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊं। नॉर्मली क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले तो ICICI बैंक ने यहाँ पे चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद SBI ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे RBL ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे HDFC बैंक ने भी स्टार्ट कर दिया। HDFC बैंक ने आपको थोड़ा सा सहारा दिया है कि बाबा कोई इशू नहीं, महीने का एक ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहेगा, पर सेकंड ट्रांजेक्शन से आपको चार्जेस लगेगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे एक एक करके बैंक यहाँ पे इस मार्केट में यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपटीशन ला के दे रहे कि मतलब कुछ ना कुछ चार्जेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे पीछे रहने वाले। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 1 फरवरी 2023 से चार्जेस करना मतलब लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब 1 फरवरी 2023 से चार्जेस आपको यहाँ पे लगेगे, चार्जेस लगेगे 1%। इस चार्जेस के बारे में हमें जानकारी दी है नवनीत जी ने, तो नवनीत जी को सबसे पहले थैंक्स बोलेंगे, उसके बाद इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। यहाँ पे नवनीत जी के पास कुछ इस तरह से मैसेज आया था, ये मैसेज मुझे मेरे पास भी आया, उस मैसेज को मैंने ओपन किया, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को मैंने ओपन कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे ए वाली PDF मेरे सामने खुल के आ गए। इस PDF में डिटेल्स में जानकारी दी कि बाबा 1% चार्जेस आपको 1 फरवरी 2023 से यहाँ पे लगेगा अगर आप नॉर्मली यहाँ पे रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करोगे। तो रेंट पेमेंट का आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको रेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन करने के लिए जो 1% या फिर 1.5% के चार्जेस देने पड़ते हैं वो चार्जेस छोड़ के यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे 1% का यहाँ पे चार्जेस लेगा। साथ ही साथ ये जो चार्जेस लेगा उसके ऊपर यहाँ पे जो चार्जेस लगेगा, चार्जेस तो लगेगा, उसके ऊपर यहाँ पे 18% का GST लगेगा। नॉर्मली अगर आप 10,500 रुपए का ट्रांजेक्शन करोगे तो 10,500 रुपए के ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को 1.5% मतलब कि 105 रुपए यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा, और जो 105 रुपए चार्जेस लगेगा उसके ऊपर भी यहाँ पे 18% का GST आप लोगों को देना पड़ेगा। तो यही जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बना। बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसे वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।